हरे कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मावा गुंजिया की रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ मावा गुंजिया, क्योंकि हमारे स्पेशल मावा गुंजिया बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को सभी को बहुत पसंद है। और इसी के साथ मैं बनाऊँगी बेसन की चूरी, जो कि मैं मम्मी के लिए बनाती हूँ, अपनी सास के लिए हर बार। तो बस वही दोनों चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मुझे वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मावा बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया था, तो मैंने उसको अच्छे से पैकेट को धोकर और कढ़ाई में डाल दिया है दूध पकने के लिए, क्योंकि गैस मैंने नीचे रख दिया है। स्लैब पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने से टांगों में मतलब दर्द और पैरों में सूजन हो जाती है मेरे थायराइड की वजह से। इस वजह से मैंने गैस वगैरह नीचे ही रख लिया था और सभी सामान को भी अपना अपने पास रख लिया, नीचे ही इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ा जाता है स्लैब पर सामान वगैरह लेने हो तो। तो बस इसीलिए मैंने सारा सामान इकट्ठा करके पहले ही यहाँ पर रख लिया है। और साथ में बेटा लगा हुआ है हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसका मन था कि गुंजिया बेलकर भरने का, तो बस इसी वजह से वो साथ में लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी ये सब काम होगा तो मतलब मैं गुंजिया वगैरह बनवाऊँगा साथ में। तो देखिए, वो भी बैठ गया यहाँ पर। और बस यहाँ पर घी का ये पैकेट लेकर आई थी मैं लुधियाना से, तो जब वापसी में आते समय घी लेकर आई थी तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ऐसे कैसे ही, क्योंकि मुझे तब ज़रूरत नहीं थी। और अभी गुंजिया वगैरह बनानी है तो चूरी बनानी है तो बस घी की ज़रूरत है। तो मैंने इसके पैकेट को काट लिया और काटने के बाद यहाँ पर घी डाल दिया थोड़ा सा कढ़ाई में, और एक साइड दूध भी पक रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी फटाफट से बनाएंगे हम अपनी मावा गुंजिया, और इंस्टेंट घी के साथ मावा भी बनेगा हमारा और हमारी पूरी रेसिपी बनेगी गुंजिया की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, और घी डालने के बाद ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अपना इसमें सारा सामान जो कि है हमारे बादाम, काजू और किशमिश और थोड़े से मगज, तो इन सबको मैं भून लूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बादाम को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, तो बादाम मैंने सभी ले लिए थे, 2 पैकेट बादाम के थे और 2 पैकेट ही काजू के थे। तो सबसे पहले मैंने बादाम सारे ही फ्राई कर दिए, क्योंकि जबकि मैं फ्राई कर रही हूँ तो मैंने सोचा एक ही बारी कर लूँ, क्योंकि मुझे 2 चीज़ बनानी है तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो मैंने एक ही बारी में सारे काजू और सारे बादाम और मखाने किशमिश वगैरह सभी कुछ फ्राई कर लिया, और सभी सामान मैंने फ्राई करके एक साइड में रख दिया इकट्ठा करके। और यहाँ पर ना मावा भी पक रहा है, तो एक साइड जब तक मावा पक रहा है तो मैंने डाल दिए दूसरी तरफ सूजी। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पकने के लिए रख लिया, क्योंकि मैंने गोले का बुरादा मंगाया था, तो गोले का बुरादा भी मैंने घी में फ्राई कर लिया था, और साथ में ये आयरन लगा हुआ है तो बस उसने सामान मुझे पीस कर दे दिया सभी सामान, क्योंकि मिक्सी अंदर लगा रखी है तो इस वजह से मिक्सी में वो सामान पीस कर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश तो नहीं पीसेगी, गोले का बुरादा भी नहीं पीसेगा, तो बाकी मखाने हैं तो वो भी मैंने गर्म करके उसको दे दिए थे, वो भी पीस रहा है। और यहाँ पर सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो बस सूजी मैंने घी डाल कर रखी हुई है सिम पर, एक तरफ सूजी पक रही है दूसरी तरफ मावा पक रहा है। तो यहाँ पर मेरी सूजी और मावा अच्छे से पक गए थे, तो मैंने सभी सामान को सूजी मावा और किशमिश वगैरह सभी सामान मिक्स करके और एक तरफ कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये कढ़ाई में मैंने सभी सामान को मिक्स कर लिया, और बच्चे लग रहे हुए हैं गुंजियों को भरने में, तो मैंने यहाँ पर गुंजियों का मैदा भी लगा कर रख दिया। तो इसका मैदा मैंने लगा कर रख दिया था, मैदे में मैंने सिर्फ मोइन डाला था और इसमें कुछ नहीं डाला था, देसी घी डाला था मोइन में, और देसी घी से मैंने 1/2 किलो मैदा था तो मैंने उसमें 1 कटोरी के लगभग मैदे में अपना घी डाला था, और घी लगा कर आटे को मैंने रख दिया था सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी गुंजियाँ बच्चों ने भरकर बनाकर तैयार करके रख दी हैं, तो बस मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको कलर मैंने बहुत ही अच्छे से दिया है, और इसको तेज़ आंच पर नहीं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने फ्राई किया है। तो लो फ्लेम पर फ्राई करने का इसका ये फ़ायदा है कि बहुत ही कुरकुरी और खस्ता करारी अच्छी सी बनती है, लेकिन हाई फ्लेम पर अगर हम इतने फ्राई करेंगे तो ये पक तो जाएंगी ऊपर से बहुत जल्दी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो अंदर से नहीं अच्छे से पक पाती है। तो इसी वजह से, और कुछ देखिए एक दो इसमें से खुल रही थी तो मैंने पानी लगाकर हल्का सा उनको भी चिपका लिया ताकि वो अच्छे से खुल ना जाए अंदर जाकर, तो बस मैं उनको ही चिपका रही हूँ और देख रही हूँ कि कोई खुली ना हो।
तो बस सारी गुंजों को मैं इसी तरह से सेट करके एक तरफ से यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने चाशनी पकने के लिए रखी हुई थी, तो बस दूसरी तरफ मैं चाशनी में डाल रही हूँ। तो चाशनी मैंने 2 कटोरी के लगभग चीनी ली थी और उसमें 1 कटोरी के करीब पानी डाला था। 2 कटोरी चीनी मैंने 1 कटोरी पानी डालकर 3 से 4 इलायची डाली थी और उसके बाद उसको पकने के लिए रख दिया था। तो 1-2 उबाल आए थे, उसमें तार नहीं बनानी थी मुझे, सिर्फ मुझे उसमें गर्म करना था, चाशनी को अच्छे से पकाना था। तो बस चाशनी पकने के बाद गुंजियों को उसमें डाल दिया था और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा जो मावा बचा था मैं उसको भी अच्छे से और पका रही हूँ थोड़े से को, क्योंकि मुझे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरफ मेरा मावा पक रहा है, तो जब तक मेरा मावा पक रहा है दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया घी। तो देसी घी डाला है मैंने इसमें 1 किलो के करीब और 1 किलो घी में मैंने 1 किलो ही अपना बेसन डाला है। तो मैं बेसन को फ्राई कर रही हूँ घी में और बेसन को बहुत ही अच्छे से घी में भुनने के बाद यहाँ पर देखिए मावा भी पक चुका, तो मैंने मावा उतार लिया और आगे चिमची में रखी हुई है इसमें मखाने, काजू, बादाम और किशमिश वगैरह सभी कुछ मैंने जो ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्सी में पीस कर रखे थे उनको सबको मिक्स कर लिया मावे में और इसमें 1/2 किलो डाल दिया है बूरा। तो बूरा थोड़ा सा कम था इस वजह से मैंने इसमें चीनी भी डाली थी। तो मैंने मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग रख सकते हैं, तो मीठा मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी पीस कर डाल दी है और मिक्सी में थोड़ी सी चीनी पीस कर डालने के बाद उसमें बेसन मिक्स कर दिया था। बेसन मिक्स करने के बाद यहाँ पर पूरा किचन वगैरह क्लीन कर दिया था और नीचे का मतलब जो मैंने गैस वगैरह रखा था वो सब सामान वगैरह उठाकर सारा साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े बर्तन और रखे थे, तो जो मैंने बनाया था खाना तो उसके भी थे और कुछ बर्तन थे बड़े बड़े जो मैंने गुंजिया वगैरह बनाई थी सूजी की और चूड़ी की, हलवे वगैरह सब कुछ बनाया था। तो मैंने वो सभी बर्तन खाली करके मांज धोकर उनको भी रख दिया और यहाँ पर लगा दिए झाड़ू और वंशिका ने बना दिए चाय। तो जब तक वंशिका ने चाय बनाई है तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा कर एक बार यहाँ से पोछा लगा दूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, कीड़ी वगैरह आने का डर न रहे, क्योंकि मीठा गिरने से कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। बस इसी वजह से थोड़ा सा ही साफ़ कर दूँगी यहाँ से पोछा लगा कर। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर चाय भी मेरी अच्छे से पक चुकी है, तो ये वंशिका जो चाय रखी हुई थी पकने के लिए इसको डाल लूँगी। और साथ में भूख लगी थी थोड़ी सी, तो शाम का टाइम मैं सोच रही हूँ थोड़े से पापड़ फ्राई कर लूँ, क्योंकि जो मैंने पापड़ बनाई थी कचरी वो भी मेरी धूप में रखी हुई थी अच्छे से सूख चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया था ऑयल, ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया था तेज, तो इसमें डाल दी थी कचरी और देखिए कचरी भी बिल्कुल मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो पहले थोड़ा सा कम तेल गर्म था इस वजह से अच्छे से नहीं पक पाई, तो मैंने दूसरी बार में तेल अच्छे से गर्म करने के बाद देखिए कचरी पका ली और ये देखिए कितनी खस्ता और करारी सी बनी है। और इसी के साथ देखिए गुंजिया भी मेरी चाशनी में डूबी हुई बिल्कुल रस भरी सी बनी है, एक आपको तोड़कर भी दिखाती है। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी है और इसके अंदर बिल्कुल रस भरा हुआ है, तो चाशनी इसके अंदर तक डूबी हुई थी और खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक तो प्लेट तो मैंने जो बनाई थी वो साथ के साथ मेरी ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद ये नाइट का टाइम है जब मैंने नाइट में फिर से गुंजिया बनाई, क्योंकि जो सुबह में मैंने बनाई थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे पास स्टफिंग काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो स्टफिंग रखी हुई थी तो इस वजह से मैंने सोचा इसकी एक बार और बना लेती हूँ। तो नाइट में मैंने ये फिर से बनाई है, तो यहाँ पर मैंने स्लैपर ही बना ली है और इन सभी को मैं तल कर रख लूँगी। तो इनको मैं काफ़ी सारा तेल मतलब लेकर और इनको अच्छे से देखे फ्राई कर लिया, तो इनको लो फ्लेम पर ही मैंने फ्राई किया है और लो फ्लेम पर ही बिल्कुल खस्ता करारी हमारी गुंजिया बनकर हो चुकी है तैयार। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।